Okay, student, last classes we have learned the dissociation constant for weak acid and the dissociation constant for weak bases. Right? कि अगर हमारा एसिड या बेस वीक है तो उसका पीएच निकालने के लिए हमको अल्फा का वैल्यू का जरूरत होता है और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के के भी हम कैसे निकालेंगे, इसमें अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो के था आपका सी अल्फा स्क्वायर, एम आई राइट, और के बी भी सी अल्फा स्क्वायर ही था, ए फॉर एसिड एंड बी फॉर बेस. नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग रिलेशन बिटवीन के एंड के relation between Ka and Kb. बट थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम लोग चले जाते हैं जिससे कि आपको पूरा समझ आए. आपने ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर याद है. अगर मैं आपसे कहूं कि HCl का HCl जो कि कॉन्जुगेट एसिड है इसका कॉन्जुगेट बेस पेयर क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? Cl नेगेटिव. ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि NH3 एक बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड पेयर क्या होगा? NH4 सिंगल पॉजिटिव, राइट. अच्छा, सब बच्चों की आवाज नहीं आ रही है. हाँ, क्यों? देखो, इतनी सी बात है कि जो कॉन्जुगेट पेयर होता है रूल नंबर वन, उसमें एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है. अब अगर हमें एसिड पेयर बनाना है तो उसमें एक हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और अगर हमें बेस पेयर बनाना है तो एक हाइड्रोजन कम. हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन की फॉर्म में नहीं निकाल रहे, हम एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकाल रहे हैं, यानी कि चार्ज का भी मसला आ गया यहाँ पे. जैसे यहाँ था HCl न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर +1 -1 जीरो हो गया. जब मैंने इसमें H पॉजिटिव निकाला बच्चों, तो ये Cl नेगेटिव ही तो बचेगा. NH3 जीरो दिख रहा है, इसका मतलब टोटल चार्ज सब मिला के जीरो है. जीरो का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, जीरो का मतलब ये है कि अंदर प्लस और माइनस क्या है वो कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को, राइट. जब इसका मुझे एक H पॉजिटिव ऐड किया तो ये क्या बन गया, NH4, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन चूंकि न्यूट्रल था और मैंने प्लस ऐड किया है तो ये क्या हो गया, NH4 पॉजिटिव. तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट एसिड, ये हो गया कॉन्जुगेट बेस. कंपैरिजन कर लो, एसिड में हाइड्रोजन ज्यादा और बेस में एक हाइड्रोजन कम. ऐसे ही यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, तो ये दोनों एक ही स्पीशीज के एसिड बेस पेयर है. तो अगर मुझे एसिड का Ka और बेस का Kb निकालना है और सेम स्पीशीज के कॉन्जुगेट पेयर है तो उन Ka और Kb के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हमारा आज का टॉपिक है. ठीक है, बैकग्राउंड समझ आ गया, देखते हैं इसको. जैसे हमने नेक्स्ट वाला जो पेयर था उससे कर लेना, NH3 यानी कि आपका अमोनिया, इसको हमने वाटर में डिजॉल्व किया बच्चों, तो ये बन गया आपका NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. इस इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर. अच्छा, वेरी गुड. अब चूंकि यहाँ पे NH3 एज ए बेस वर्क कर रहा है, दिख रहा है ना, हमारा पूरा सॉल्यूशन बेसिक हो गया. इसका हम Kb एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. Kb क्या होगा बच्चों? NH4 पॉजिटिव उसकी बात करते हैं. NH4 पॉजिटिव प्लस वॉटर, राइट, क्योंकि ये एसिड है तो इसको एच पॉजिटिव डोनेट करना है. एसिड तो होते हैं ना मैचो, मतलब दे डोनेट एच पॉजिटिव. तो ये हो गया आपका NH3, यानी कि ये NH4 बन गया NH3 और एक H किसने लिया, वाटर. वाटर क्या हो गया, H3O पॉजिटिव, राइट. कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका हमको चूंकि ये एसिड है तो इसका Ka एक्सप्रेशन लिखना होगा. K कितना आ गया, NH3 टाइम्स H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय NH4 पॉजिटिव टाइम्स H2O. नो प्रॉब्लम.
नो सर राइट इसको मैं इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन टू क्योंकि दोनों के रिलेशन ही हमको फाइंड आउट करने हैं तो या तो आप के अपॉन के बी कर दीजिए या के इंटू के बी कर दीजिए और जो आप के बी के साथ करें वही आप इसके बाकी जो राइट हैंड साइड वैल्यूज है उसके साथ में कर दीजिए तो यह आ गया आपका बच्चों के ए इंटू के बी अगर मैं के और के बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये और ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी ना कर दीजिए आप इसको तो यहाँ पे आएगा आपका बच्चों एन एस थ्री टाइम्स एच थ्री ओ पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एन एच फोर पॉजिटिव टाइम्स एच टू ओ ये किसकी वैल्यू आ गई के के बी की वैल्यू कितनी आई बच्चों एन एच फोर पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय एन एच थ्री टाइम्स एच टू ओ अब जो भी आपको लगता है कैंसिलेबल वैल्यूज है yes, sir. वो कैंसिल कर दीजिए उसको NH3 कैंसिल हो गया NH4 कैंसिल हो गया राइट यस सर अब क्या बचा हमारे पास Ka into Kb is equal to यहाँ क्या बचा H3O positive times OH negative divided by water into water hydrogen या water का स्क्वायर Yes, sir. Any problem? No, sir. अब यहाँ पे H3O और OH negative का जब multiplication करते हैं, तो कौन सा term हमने पहले पढ़ रखा है? K W. K W. तो यानी K A into K B is equal to K W. और water being pure liquid. इक्विलिब्रियम में हमने इसको इनसिग्निफिकेंट ही समझा है ना? Right? तो ये हमने इग्नोर कर दिया. यानी K A और K B का मल्टीप्लीकेशन जो है वो के डब्ल्यू आए तो अभी तो आप मुझे केवल इतनी सी यस एंड नो दो कि ये मैथमेटिकल स्टेप समझ आए पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी हमको क्लियर है अब नेक्स्ट हमको ये पढ़ना है कि ये फॉर्मूले का रिपरकशंस क्या है मतलब इससे हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमारी हेल्प होने वाली है राइट पहली बात तो बच्चों एक मिनट के लिए पेन स्टॉप करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के और के बी का मल्टीप्लिकेशन के डब्ल्यू है और के डब्ल्यू क्या है कांस्टेंट है अगर टेम्परेचर 25 है तो के डब्ल्यू कितना आता है -40 इसका मतलब क्या है कि अगर NH3 स्ट्रॉन्ग बेस है सपोज करो तो उसका के बी वैल्यू ज्यादा होगा अगर NH3 स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग बेस कम होता है जब वो ज्यादा OH देता है जब वो क्या कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन में होता है ना KB का एक्सप्रेशन देखो जब ये चीज ज्यादा है तो KB का वैल्यू ज्यादा होगा या नहीं होगा होगा ना तो जब कोई भी हमने पहले भी तो यही पढ़ा था कि भाई K और KB का इंपॉर्टेंस क्या है K से हमको ये पता लग जाता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और KB से हमको ये पता लग जाता है कि बेस कितना स्ट्रॉन्ग है ये तो पढ़ा था तो अगर NH3 सपोज करो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा होगी KB का वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा हो गया बचा नहीं कम बचा यहाँ पे KB ज्यादा हो गया अगर KB बड़ा है बच्चों तो K क्या होगा छोटा यानी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में हमेशा ऐसे ही चलेगा एक अगर स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वीक होगा क्लियर है ना क्योंकि प्रोडक्ट जो है दोनों का कांस्टेंट है तो इसीलिए वहां ब्रॉन्स्टेड डोरी में भी यही पढ़ाया था कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं उसमें वीक एसिड का जो पेयर होता है राइट वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है स्ट्रॉन्ग बेस का जो पेयर होगा वो वीक एसिड यानी अपोजिट के पेयर्स बनेंगे क्योंकि रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड कोई एक को ही फेवर कर सकती है यहाँ पे राइट ये आपने कॉपी कर लिया नो सर सर HCl प्लस H2O इक्वल टू H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इसका K लिखें या KB K
अच्छा पहले ही बता दो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड? यानी इसका जो कॉन्जुगेट पेयर यानी वीक बेस होने वाला है. यस सर. राइट. फिर ये आ गया आपका Cl नेगेटिव प्लस H2O. क्या बनाएगा आपका HCl यानी ये जो Cl आ गया प्लस OH नेगेटिव. देख लो इक्वेशन बैलेंस्ड है. राइट. इसका हमने KB एक्सप्रेशन लिखा बच्चों. तो KB आ जाएगा आपका HCl टाइम्स OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय Cl नेगेटिव टाइम्स H2O. राइट. K इनटू KB अगर मैं लिखूंगा तो बाकी KBS एग्जांपल में देख लो क्या होने वाला है. KA इनटू KB क्या होगा बच्चों? KW बराबर R. और यहाँ पे क्योंकि हमें मालूम है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड का K ज्यादा होगा बेस कम होगा और Cl नेगेटिव जो हमारा बेस पेयर है उसका K नेगेटिव कम होगा. राइट. तो अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस रिलेशन इज दैट कि अगर हमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में किसी एक का वैल्यू मालूम है के या केबी तो हम दूसरे का आराम से निकाल सकते हैं. बट टेम्परेचर 25 है तो यहाँ पे 10 रेज़ टू माइनस 14 वैल्यू लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. KW राइट. राइट हियर मल्टीप्लाइंग नेगेटिव लॉ ऑन बोथ साइड. अगर हम माइनस लॉग से नेगेटिव लॉग से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है? देखिए माइनस लॉग के ए इनटू के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू. एम आई राइट? यस सर. माइनस लॉग ऑफ एनीथिंग माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव पी एच माइनस लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव पी ओ एच माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू. तो ये तो हो जाएगा आपका बच्चों पी के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज पी के डब्ल्यू. यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी. तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग ए प्लस माइनस लॉग के बी. राइट. यस सर. माइनस लॉग ऑफ के इज इक्वल टू पी के ए माइनस लॉग ऑफ के बी इज पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू. बच्चों ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है. ये केवल मैथमेटिकल नंबर्स को विदाउट एक्सपोनेंशियल लिखने का एक तरीका है. जैसे के डब्ल्यू 10 रेज़ टू माइनस 14 होता है. के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 14 तो इसका पी के डब्ल्यू वैल्यू जो है वो 14 होगा. राइट. तो थोड़ा आसान हो जाता है इसीलिए आगे हायर क्लासेस में हालांकि सीबीएसई में नहीं है पीकेडब्ल्यू वैल्यू का बहुत ज्यादा यूज होता है. पीकेडब्ल्यू इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 14 का हम लेते हैं लॉग तो आ जाता है 14 आ जाता है. राइट. अभी डन. अभी हम मूविंग टू बच्चों एक नेक्स्ट हेडिंग है हमारा. नेक्स्ट है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर मल्टी प्रोटॉन एसिड्स. पहले तो आपको हेडिंग क्लियर होना चाहिए कि ये हेडिंग का क्या मतलब है. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मल्टी प्रोटॉन एसिड्स. राइट. HCl जो है एक मॉलिक्यूल एक एच पॉजिटिव देता है. यह हो गया आपका यूनिक प्रोटॉन यानी कि एक प्रोटॉन देने वाला एसिड. कोई ऐसा एसिड मालूम है जिससे एक मॉलिक्यूल से दो एच पॉजिटिव निकलते हैं? H2SO4 साइन ऑफ रिवर्सिबल टू एच पॉजिटिव प्लस SO4 टू नेगेटिव. तो
यहां तक तो आपकी अचीवमेंट हो गई। अब तीन प्रोटॉन देने वाला एसिड कौन बताएगा? बस यही, हाँ थोड़ा जोर से बोल दो, H3P यहां तक तो बिल्कुल सही है, O भी सही है, H3PO4, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अगर इस एसिड के बारे में आप नहीं जानते हैं तो ईश्वर आपसे नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एसिड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके। तो ये फॉस्फोरिक एसिड जो है हमारे डीएनए में और बॉडी के अंदर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन अदरवाइज भी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है बच्चों, ये आपका 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, यानी फॉस्फेट आयन देता है और 3H पॉजिटिव देता है, राइट। तो देयर इज अ बाइप्रोटिक एसिड, देयर इज अ ट्राइप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक एसिड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पर मॉलिक्यूल दो से ज्यादा दे रहा है तो पॉलीप्रोटिक कहते हैं, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एसिड ऐसे ही डिसोशिएट होते हैं जैसे हमने लिखा है, या ये स्टेप्स में डिसोशिएट होते हैं, राइट। ये एसिड बच्चों ऐसे डिसोशिएट नहीं होते हैं। अगर सिंगल प्रोटॉन है तो ये सही है, लेकिन अगर डबल वाला है तो ये दो स्टेप में डिसोशिएट होगा, पहले एक एच पॉजिटिव देगा फिर दूसरा देगा, यानी दो स्टेप हो गए। ऐसे ही ये जो है अगर 3H पॉजिटिव देना है तो ये 1 2 3 तीन स्टेप में देता है, राइट। एक बार देखिए तो बच्चों H2SO4 का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, H2SO4 विल डिसोशिएट एंड विल गिव H पॉजिटिव, यानी एक हाइड्रोजन निकाला। अब आप 11th स्टैंडर्ड में है ना, बड़े बच्चे हैं, तो बताइए एक H पॉजिटिव निकाल लिया तो बची हुई स्पीशीज का क्या फॉर्मूला है? HSO4 चार्ज भी तो बताइए, राइट। ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप, और इसका Ka1 एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, राइट। ये हो गया आपका H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव एंड H2SO4, राइट। या वाटर के साथ मिलेंगे प्लस H2O, यहाँ पे H3O आ जाएगा, ये HSO4 हो जाएगा, एक्सप्रेशन फिर भी सेम रहता है। HSO4 नेगेटिव चुप रह के बैठने वालों में से नहीं है, इट विल फर्दर डिसोशिएट। HSO4 नेगेटिव विल गिव यू H पॉजिटिव, और क्या बनेगा? SO4 2 नेगेटिव, राइट। ये हो गया आपका Ka2, सेकेंड स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। ये आ गया आपका H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय HSO4 सिंगल नेगेटिव। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम ये दोनों स्टेप डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? क्या हम दोनों को मिला के K1 into K2 = K नहीं लिख सकते? अगर मैं K1 into K2 लिखूं तो वो K के बराबर आएगा, यस सर, राइट। आपको टेक्स्ट बुक ये बताना चाहती है या आपका सिलेबस ये बताना चाहता है कि दोनों की वैल्यूज K1 और K2 की वैल्यू अलग अलग है। इसमें से K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट, और K2 की वैल्यू कम कम, और इसका रीजन भी आपको समझना है। पहले लिख दीजिए K1 is very high in comparison to K2. Reason क्या है ये आपको समझना है, ये purpose है हमारे discussion का। Reason बच्चों ये है, एक second board पे देखिए, जब ये H2SO4 ने H positive दिया तो वहां पे कोई फुल चार्ज स्पीशीज नहीं है, चार्ज स्पीशीज क्रिएट हुई है H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, यानी रिलीज ऑफ H पॉजिटिव के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं था पहले H पॉजिटिव के लिए। लेकिन दूसरा H पॉजिटिव जो आएगा उसको HSO4 नेगेटिव जो फुल चार्ज है वो रिलीज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज स्पीशीज है वो नहीं देती, देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव स्पीशीज एंड द H पॉजिटिव व्हिच इज गोइंग अवे, यानी ये नेगेटिव वाली स्पीशीज और H पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये वाला इक्विलिब्रियम ये काफी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है,
यानी के ये के वैल्यू क्योंकि ये फॉरवर्ड में है, ये प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो के वन बड़ा हो गया। ये वाला इक्विलिब्रियम इतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता है। तो जैसे जैसे ये नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे के का वैल्यू कम होता जाता है। यानी कि अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड का एग्जाम्पल लूं तो के वन विल बी हाइएस्ट, के टू विल बी लेसर देन दैट, एंड के थ्री विल बी इवन लेसर देन दैट, राइट। के रीजन मैं लिख रहा हूं यहां पे HSO4 नेगेटिव बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, इट ऑफर्स अट्रैक्शन टू H पॉजिटिव, हेंस makes its release difficult. Makes its release difficult. Being negatively charged, species it comma है उसके बाद में हाँ, it offers attraction to H positive, comma hence makes its release difficult. यहाँ पे it refers to H positive, यानी H positive की release को difficult बना देता है। तो जिसकी वजह से H positive ज़्यादा release नहीं होते, तो ज़्यादातर H positive first step से आते हैं, second step से नहीं आते। Last heading है, then I will take your difficulty. एसिड स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक है, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारा CH3COOH वीक है, ये सारे एसिड्स में भी सबके के वैल्यू अलग अलग है, तो इसका क्या रीजन है बच्चों? वैसे तो ये बहुत डिटेल्स का टॉपिक है, बट हमारे सिलेबस में आपको दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बता रखे हैं कि उनकी वजह से H पॉजिटिव का रिलीज जो है वो डिफिकल्ट या ईजी हो सकता है। पहले तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है वो एसिड जो ज्यादा एच पॉजिटिव देता है। yes, तो ज्यादा एच पॉजिटिव देगा वो स्ट्रॉन्ग होगा ना। yes, अगर मैंने एक डब्बे में बीकर में 100 मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग एसिड के डाले, दूसरे बीकर में 100 मॉलिक्यूल वीक एसिड के डाले, यानी एक में वीक और एक में स्ट्रॉन्ग, तो मैंने तो अपनी तरफ से बराबर बराबर नंबर डाला, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वाला था वो 100 के 100 डिसोशिएट हो गए, यानी कितने एच पॉजिटिव आए? पूरे आ गए ना। और जो वीक वाला था वो इतना लेजी था कि उसने 100 डाले, मैंने केवल 10 डिसोशिएट हुए, 90 वाज रिमेनिंग अनडिसोशिएटेड, तो उसमें कितने एच पॉजिटिव आए? 10। तो हमारा टॉपिक ये है कि स्ट्रॉन्ग ने ऐसा क्यों किया और वीक ने भी वैसा क्यों किया, वीक लेजी क्यों था और स्ट्रॉन्ग एक्टिव क्यों है, राइट? व्हाई स्ट्रॉन्ग इज गिविंग मोर एच पॉजिटिव, व्हाई वीक इज गिविंग लेस एच पॉजिटिव, राइट? हियर टू फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द रिलीज ऑफ H positive, right? Number one, the size difference
between H and other atom, यानी जिस H को रिलीज होना है, जिस H को छुट्टी लेके घर जाना है या सॉल्यूशन में रिलीज होना है, वो जिस एटम से जुड़ा है H के और उस एटम के साइज में कितना बड़ा फर्क है, राइट? एक तो इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। दूसरा जो फैक्टर है बच्चों, कि द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी में कितना फर्क है, इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये दोनों फैक्टर भी अगर साथ साथ लग रहे हों तो हमको मालूम है पहला फैक्टर जो है वो प्रोमिनेंट है, मतलब हम दूसरे वाले फैक्टर को जब ही कंसिडर करेंगे जब साइज डिफरेंस हमारी मदद नहीं करेगा, राइट? अगर साइज में काफी बड़ा डिफरेंस है, यानी अलग अलग पीरियड्स के हैं, तो साइज डिफरेंस तो होगा ना, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। और अगर सेम पीरियड के हैं तो हमारी हेल्प साइज नहीं करता, क्योंकि सेम पीरियड में साइज में तो वहां पे फिर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ती है। एग्जांपल लेके समझिए बच्चों, जैसे ये आपका एच एफ, एच सी एफ, एच बी आर, एच आर, कॉमन एच है, डिफरेंट क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या ये सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं? सबसे छोटू कौन है इसमें? सर एफ, एच एफ। और सबसे बड़ू कौन है? आयोडीन। यानी कि छोटा ये है, बड़ा ये है, एच तो कॉमन है ना? यस सर। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑफ साइज किसमें आएगा? सर एफ और आई, आयोडीन में। एच और आयोडीन, यानी एच और आई का जो साइज डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। ये बात सब बच्चों को समझ आती है? यस सर। ये बॉन्ड हो गया वीक बॉन्ड, और जब ये वीक बॉन्ड हो गया तो ये टूटेगा आराम से, और जब ये आराम से टूटेगा तो एच पॉजिटिव आसानी से रिलीज होगा और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर से बोले, एच कॉमन, आई सबसे बड़ा, क्योंकि आई जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट? सबसे नीचे आ रहा है, सबसे बड़ा साइज है इसका। तो ये जो है यहाँ पे इसके और इसके साइज में फर्क है, और जो डिफरेंट साइज के एटम्स होते हैं उनका बॉन्ड कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, राइट? तो उसकी वजह से ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और जब ये आसानी से टूटेगा तो H का रिलीज क्या होगा? आराम से होगा। जब H आराम से रिलीज हो जाएगा तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। यहाँ पे मैंने कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात ही नहीं उठाई, क्यों? क्योंकि ये आई बी आर सी एल एफ अलग अलग पीरियड के हैं, इनके साइज में काफी बड़ा फर्क है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे मैं ये साइन लगा दूं, यस सर, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो गया आपका वीक एसिड। वीक अमंग दिस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एटम इतना वीक है कि ग्लास में डालो पी लो, मैं ये कह रहा हूँ इन चारों भाइयों में ये सबसे स्ट्रॉन्ग है और ये सबसे वीक है, है सभी स्ट्रॉन्ग बट रिलेशन जो है इनका वो यही है। okay. दूसरा एग्जांपल ले लें बच्चों, दूसरा एग्जांपल है आपका, जैसे आपको सेम पीरियड के एग्जांपल चाहिए, राइट? तो एच टू दिस इज ओके सी एच फोर, ये हो गया आपका मीथेन ग्रुप 14, एन एच थ्री, ये आ गया आपका ग्रुप 15, 14, 15, 16 में कौन सा आ गया? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये आ गया वाटर, यस। उसके बाद कौन है? कौन है? HF। अच्छा नहीं, क्लोरीन, क्लोरीन, ये हो गया आपका HF, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर 4, तो साइज वोंट मैटर,
है ना, साइज मैटर करेगा जब ये अलग अलग पीरियड के होंगे, क्योंकि सेम पीरियड के साइज नहीं होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से इसका जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है। ये बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर हो गया। पोलर बॉन्ड समझते हैं आप, ये जो शेयर्ड पेयर है ये फ्लोरीन की तरफ को आ गया, राइट? मुझे भी ऐसे ही कहना पड़ता, तरफ को आ गया, शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन, राइट? तो उसकी वजह से ये बॉन्ड जो है ये आसानी से टूट जाएगा। यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया आपका एचएल और सबसे वीक हो गया आपका CH4। एफ बी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? ओके, विल बी मोस्ट एसिडिक, विल बी मोस्ट एसिडिक। बस बच्चों इतना याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा जब भी लगाएंगे जब सेम साइज के एलिमेंट्स सेम पीरियड सेम पीरियड के होंगे, ऑलमोस्ट सेम साइज, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, राइट? थैंक यू वेरी मच।